रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। श्रीलंका की सरकार ने दावा किया है कि रावण के शरीर को आज भी एक गुफा में सुरक्षित रखा गया है। उसकी सुरक्षा वहां के आदिवासी करते हैं। उनके अनुसार रावण कलयुग के अंत में पुनः जीवित होगा और चारों वेदों और उपनिषदों को पुनः लिपिबद्ध करेगा। कुछ मतों के अनुसार कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तब उस समय के सबसे ताकतवर राक्षस कली पुरुष भी अपने भौतिक रूप में आएंगे, तब वो रावण को पुनः जीवित करेंगे। श्रीलंका की सरकार ने भारत और श्रीलंका की सम्मिलित एक टीम का गठन किया है जो रामायण काल की घटनाओं की खोज करती है। उन्हीं खोजों के दौरान उन्हें रावण का संरक्षित शव मिला था। श्रीलंका के घने जंगलों के बीच रंगला इलाके में एक पहाड़ है जिसकी गुफा में रावण का शव आज भी संरक्षित है। रिसर्च टीम को वहाँ 18 फुट लंबा एक पत्थर का ताबूत मिला जिसपे अनेकों जड़ी बूटियों का लेप था। उस गुफा की बनावट ऐसी थी कि अगर कोई पत्थर वहाँ से हिलाया गया तो पूरी गुफा गिर जाएगी, इसलिए उस ताबूत को वहीं छोड़ दिया गया।